वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 7.2, जिसके 37 क्वेश्चंस इन टोटल है, करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेट करना है क्वेश्चंस को। नीचे दिए गए 37 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करें इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम सॉल्व करेंगे। वी विल लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, या z बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो यहां पर आप देखो, अगर z है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे dz अपॉन dx। 1 कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिफरेंशिएशन तो जीरो होती है, लेकिन इस x की 2x आएगी। क्यों? क्योंकि d अपॉन dx ऑफ x रेज पावर n होता है बराबर n इंटू x रेज पावर n माइनस 1। पता है आपको, यहां n 2 था, यानी 2 इंटू x रेज पावर 2 माइनस 1, तो वो तो 1 ही हुआ। अच्छा, ये dx अब हमें कन्वर्ट करना है। dz हम यहीं रखेंगे, ये 2x नीचे लाएंगे और dx यहां रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो dx हमारा था, ये हमारा आ गया dz ओवर 2x। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन, एक तो ये चीज, दूसरा ये दोनों हमें इस इक्वेशन में पुट करने हैं। देखो, dx के बदले हमें dz अपॉन 2x लिखना है। ये dx के बदले हम लिखेंगे पहले इंटीग्रेशन 2x, और फिर dx के बाद क्या लिखेंगे, dz अपॉन 2x। हाँ, और 1 प्लस x स्क्वायर, ये जो है, ये मैंने सपोज किया था किसके बराबर, z के बराबर, तो इसके बाद हम z लिखेंगे dz अपॉन 2x। ये 2x, ये 2x जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारा dz अपॉन z। वो किसके बराबर होता है, log of z, क्यों, प्लस c। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x, पेज नंबर 290 पे वो फार्मूला log of x प्लस c के बराबर होता है। तो log of z, लेकिन z हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू अपना बैक करेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर के बराबर है, प्लस c, ये इसका आंसर आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। 2x डिवाइड 1 प्लस x स्क्वायर दिया हुआ था, 1 प्लस x स्क्वायर z के बराबर, और इस फिर इसकी इंटीग्रेशन करके dx का वैल्यू निकाल के dx dz डिवाइड बाय 2x यहां पुट बैक करके, और फिर 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू z, ये बैक करके 2x अपना ये दोनों जाएंगे, तो ये आ गया dz अपॉन z, हो गया log of z, z बैक करेंगे वैल्यू अपना 1 प्लस x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर टू हमारा है, इंटीग्रेट log of x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, इसको हमने इंटीग्रेशन करना है। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। वी सपोज दैट लेट z इज इक्वल टू log of x, तो dz अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 ओवर x। लाइकवाइज यहां पर भी x dz ये dx के बराबर आएगा, x dz ये यहां लेंगे dx into 1। हाँ, तो फिर ये dx का वैल्यू यहां पर लगाएंगे
और ये log of x z जो हमने सपोज किया ये भी यहां पर लगाएंगे। देखो ये log of x है, क्या है log of x, वो किसके बराबर है z के बराबर, ऊपर स्क्वायर है, और ये dx ये आ गया हमारा x dz, नीचे तो x है, ये x और ये x आएगा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz। एज यूजुअली इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n इज इक्वल टू x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, इसी तरह यहां पर होगा, यहां x की जगह z है, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा आ गया z क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। अब हम वैल्यू अपना बैक लेंगे, z की जगह हमने log x लिया था, यानी log x का होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसका अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। देखो देखने में ये बच्चा परेशान होता है एग्जाम में, इसका कैसा इंटीग्रेशन ढूंढने के सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा या नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत अगर हम अकल से काम लेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। जरा कैसे देखते हैं, dx इन चीजों में एक ये देखो कॉमन है ना, अगर आप ये बाहर निकालोगे तो आपकी और इसकी असली सूरत यहां पर दिखेगी। देखो अब आ गई ना, वही देखो ये log x इसकी डिफरेंशिएशन, ये इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, वही सपोज दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x, हाँ तो फिर z है 1 प्लस log ऑफ x, dz अपॉन dx निकालना है, वो आ गया 1 बाय x, आ गए ना ये 1 बाय x। अब देखो ये dx dz और इसके ये x किधर जाएगा इज इक्वल टू dx, ये वैल्यू और ये वैल्यू लगाएंगे इसमें तो देखेंगे क्या होता है। ये dx जो है ना इसकी जगह x dz वैल्यू दे दो और x अपना ऐसे ही रहेगा 1 प्लस log x दैट वाज सपोज टू बी इक्वल टू z, ये x और ये x जाएगा, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z, वो किसके बराबर होता है log ऑफ z फॉर्मूला के मुताबिक प्लस c। लेकिन ये जो log ऑफ z है ना, log ऑफ 1 प्लस x log ऑफ x ऐसे आएगा ये, क्योंकि z का हमने ये वैल्यू दिया प्लस c, ये इसका आंसर आ गया फाइनल, इसका आंसर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 4, we have to find integration of sin x sin of cos of x dx। ये देखो जरा इसका देखो कौन सी टर्म z करेंगे तो फिर आगे क्या होगा, कौन इंटीग्रेशन है और कौन डिफरेंशिएशन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए फोर्थ होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल इसके जैसा है, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करेंगे सेम जैसे यहां पर हमने किया था उसी तरीके से। अब हम साइन ए एक्स प्लस बी जो है इसका पुट करेंगे क्योंकि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जेड,
यहाँ जेड है बराबर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो डी जेड अपॉन डी एक्स इसके बराबर है, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए इंटू एक्स इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन ए आती है और बी कांस्टेंट है तो इसका जीरो आएगा। लाइकवाइज हमें डी एक्स ढूंढना है, तो डी जेड हमारा डी जेड यही रहेगा ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स आ गया ये वैल्यू, और ये वैल्यू इन दोनों में बैक करके, ये थोड़ा सा स्नैपशॉट लीजिए, ये इस क्वेश्चन फाइव को मैं इधर से लगाता हूं। फिर अब देखो ये दोनों पुट करके इसमें क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, लेकिन वो तो हमने जेड के बराबर पुट किया हुआ है, इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा। अब ये डी एक्स का मसला है, वो किसके बराबर है डी एक्स, वो डी जेड अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी ऐसे रहेगा। ये देखो यहां पर ये टर्म और ये टर्म सेम जा रही है तो जाएंगे दोनों, हाँ। अब ये क्या आ गया, ये z है, ये 1 by a बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ z dz, ये करो, ये इसलिए बीच में डाला क्योंकि 2 और z कभी सेम दिखते हैं, तो ये आएगा 1 by a z raised power 1 x raised power n plus 1 divided by n plus 1 ऐसे आएगा, ये मेरा वो हो गया 1 by a z स्क्वायर, z क्या लिया था हमने, लेकिन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस इसका आंसर आ गया। स्नैपशॉट लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसके लिए हमें फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स, यानी ए एक्स प्लस बी रूट का वैल्यू 1 बाई 2 होता है डी एक्स। अब इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन होती है बराबर ए एक्स प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ये इसके लिए फार्मूला है। आई थिंक ये फार्मूला देख के आपको समझ आया होगा इसको क्या करना है। तो लाइक वाइज यहाँ एन की जगह 1 बाई 2 है, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी राइट हियर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी मोबाइल दूर है इसलिए थोड़ा पिच अप बढ़ानी पड़ती है, ए एक्स प्लस बी रेज पावर एन प्लस 1, एन की जगह 1 बाई 2 है प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1, यहाँ पर फॉर्मूला में ये भी है ए इंटू एन प्लस 1, तो ए आ गया यहाँ पर हमारा प्लस सी, तो ये क्या आ गया ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर 3 बाई 2, इसी तरह यहां पर ए इंटू 3 बाई 2 प्लस सी, फाइनली वो आता है बराबर ए एक्स प्लस बी रेज्ड पावर 3 बाई 2, ये ए इंटू 3 बाई 2 है ना, ये ऊपर जाएगा तो 2 ए बाई 3 बनेगा प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया लास्ट पर। नोट इट, स्नैपशॉट लीजिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब देखो यहां पर हमने सपोज करना है लेट, ये देखो एक्स प्लस 2 है बराबर जेड के, यानी जेड है हमारा एक्स प्लस 2, डिफरेंशिएशन करते हैं dz अपॉन dx, इसकी क्या डिफरेंशिएशन आ गई 1 है ना सीधी बात, इसकी डिफरेंशिएशन 0, 1 प्लस 0 वो तो 1 ही के बराबर है, dz फिर तो dx के बराबर निकला। अब देखो x प्लस 2
एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स प्लस टू। हाँ ये एक्स प्लस टू हमने जेड के बराबर लिया, तो इसकी जगह हम रूट ऑफ जेड लिखेंगे। फिर डी एक्स की जगह डी जेड, बाकी एक्स, ये एक्स जो हमारा यहां पर रहता है, क्योंकि आपको यहां पर प्रॉब्लम होगी, ये एक वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, इसका क्या करेंगे। यहां से देखिए आप, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, एक्स है, एक्स प्लस टू बराबर है जेड की, एक्स को कन्वर्ट करते हैं जेड में, ये प्लस टू इधर जाएगा, तो एक्स के बदले हम लिख सकते हैं जेड माइनस टू, तो एक ही वेरिएबल बन गया। ये देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड माइनस टू इंटू रूट ऑफ जेड डी जेड। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, देखो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ जेड इंटू रूट ऑफ जेड, ठीक है, जेड रेज पावर वन और जेड रेज पावर वन बाई टू माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ जेड डी जेड, ये ऐसे बन गया हमारा। ये है वन और वन बाई टू, वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेज पावर थ्री बाई टू डी जेड माइनस टू बाय इंटीग्रेशन ऑफ जेड रेज पावर वन बाई टू डी जेड। इसे क्या करना है, आगे एन प्लस वन फार्मूला यूज करके इसका आराम से क्वेश्चन, फिर जेड का वैल्यू बैक करना है एक्स प्लस टू इसमें। आगे से ये आपकी हिंट थी, आगे से होमवर्क, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर हो रही थी थोड़ी बहुत। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, सिंपल मैथ्स आगे खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एट हमारा एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये बहुत ही आसान है, इसमें आप जेड का वन प्लस टू एक्स स्क्वायर दीजिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स आपका आएगा, इसका तो जीरो आएगा, लेकिन इसका टू इंटू एक्स स्क्वायर का आता है टू एक्स रेज पावर टू माइनस वन, है ना, तो डी जेड अपॉन डी एक्स हमारा आ गया फोर एक्स। सिमिलरली हमें डी जेड यही रखना है डिवाइड बाई फोर एक्स, और ये डी जेड यहां पर है ना, डी जेड यही रखा, फोर एक्स नीचे लाया और डी एक्स यहां पर। अब ये चीज और ये चीज इसमें पुट बैक करने हैं। अब ये है यहां पर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो रूट ऑफ जेड आ गया। डी एक्स की जगह क्या लगाना है हमने, डी जेड डिवाइड बाई फोर एक्स, और ये अपना एक्स 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 जाएगा, तो यहां पर ये आएगा वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ जेड डी जेड, तो वो आ गया वन बाई फोर जेड रेज्ड पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, तो वो आ गया हमारा वन बाई फोर इंटू ये आ गया वन प्लस टू थ्री बाई टू, तो टू बाई थ्री जाएगा ये जेड रेज पावर थ्री बाय टू प्लस टू टू जार। अब इसमें क्या करना है, ये आ गया हमारा वन बाय टू, वन बाय टू थ्री जार सिक्स, वन बाय सिक्स जेड स्क्वायर प्लस, ये हमारा इसमें आ गया, जेड की जगह क्या देंगे वापस वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो ये निकलेगा। इसका थोड़ा सा स्नैपशॉट लीजिए, लास्ट पर जेड का वैल्यू पुट बैक करना, देखो ये आता है वन बाई सिक्स, जेड क्या हमने किया था वन प्लस टू एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर थ्री बाय टू प्लस, ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या था एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, फोर एक्स प्लस टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। देखो यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है,
ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको जेड के बराबर लेंगे, जेड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका आ गया टू एक्स डिफ्रेंसिएशन और इसका आ गया वन, है कि ना। अब हमें डी जेड डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पर पुट करना है। देखो ये आता है हमारा बराबर, यहाँ पर परेशान मत हो जाओ क्योंकि ये टू एक्स प्लस वन यहीं पर है, अगर यहाँ पर टू हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा टू एक्स, और ये टू वन जार टू टू वन आएगा टू एक्स प्लस वन, और ये क्या आता है हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आ गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जेड, और डी एक्स की जगह क्या देंगे हम डीज डिवाइड बाई टू एक्स प्लस वन, ये टू एक्स प्लस वन ये टू एक्स प्लस वन जाएगा टू, अभी हमें यहां क्या करना है रूट जेड डी जेड इसका इंटीग्रेशन ढूंढना है, ये आसान है, जेड रेज पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, फिर जेड का वैल्यू बैक करिए, ये क्वेश्चन नंबर नाइन भी आपका हो गया, ठीक है। हाँ अगर कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बता सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर टेन, ये भी इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर टेन आपको होमवर्क है, अगर पूरा ही मैं करूं तो आपको फिर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको अपनी कमजोरियों का पता भी नहीं चलेगा, क्वेश्चन नंबर टेन भी आप कर लेना, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।